सारे भाइयों ने रम रम भाई, आज एक आप भाइयों को फार्म दिखाऊंगा और यहाँ से जा रहे थे, पूरी जानकारी अंदर लेवांगे भाई, कौन यहाँ पे रवा है और कैसे भाई ये फार्म बनाया है, मिट्टी से बनाया है या कोई भाई पत्थर पत्थर उपयोग करे हैं, पूरी जानकारी है भाई अंदर जाके मिलेगी। और ये देखें भाई, पूरा साइड बना रखा है और कितना इसमें टेम्परेचर रहा है। और इधर देखो भाई, बहुत ही अच्छे खूबसूरत जो गोवंश भी हैं, पूरी जानकारी लेवांगे। सर नमस्कार। नमस्ते भाई। और जी अपना एड्रेस बताइए एक बार। गांव छपार जोगियान। हाँ हाँ। तहसील तुसाम। जी जी। और जिला ब्याणी। ब्याणी हरियाणा प्रदेश। जी। और अपना परिचय और दें जी। अपना परिचय है डॉक्टर शिवदर्शन मलिक। जी सर। तो अपना ये फार्म बना रखा है, कैसे कैसे बनाए रहे जी, इसमें के सुविधा है और इसका बनाने का मेन मकसद क्या है जी? मेन मकसद है लोगों की यो समझाना कि जो थारा सौदा है, हाँ, जो थारा धन है, हुँ. वो ही सही है। अच्छा। तो आप भारत चीज लेकर भारत तो मकान मकुन बनाओ है ना, हाँ, उसमें गर्मी बना है, हाँ, तो प्राकृतिक नहीं होता। अच्छा। तो बिजली का खर्चा भी है, गांव भैंस पालना जो है ना, हाँ, हाँ, आज वो आदमी गांव भैंस पाला है जिसके पास और कोई काम करने का जरिया नहीं होता जी। तो इनको हम कैसे रखें? टेम्परेचर बाहर जो है गर्मी में चला गया था 49-50 डिब्बे में बैठा था, हाँ, हाँ। कोई पंखा कूलर दिखा है ना? कोई पंखा कोई कूलर नहीं है, हाँ। जी। तो जो बिजली का जो है, अगर उस टिन का बनाता तो उन्हें कूलर भी लाना पड़ता, पंखा, हाँ, भी लाना पड़ता, हाँ, हाँ। कूलर पंखा लाना पड़ता तो उनका बिल भी आता, हाँ, हाँ। अभी ना को बिजली का बिल ना और कुछ, और ये भी सुखते बैठे हैं जी। गर्मी में जब पूरी गर्मी हो जाए है तो कूलर हो पाछे भी उसमें बड़ा असर है, कूलर हो पाछे भी उसमें ठंड नहीं होती, हाँ। इसके अंदर मौसम जो है सुहावना रहे, सारी के ऊपर ठाठते बैठी है, सारे अपने गोवंश है भाई, आराम से ठाठते बैठ रहे हैं और कोई कूलर पंखा नहीं यहाँ पे। तो ये जो अपना साइड बना रखा है जी, किस किस चीज से बना रखा है ये? तो भाई जोधपुर आया था मिस्त्री। अच्छा। और वो बना के गया था, हाँ हाँ। इसके अंदर दो ही चीज हैं। अच्छा। बांस और अपने झुंड ने सरकंडे। अच्छा। वो जी, हाँ। बाकी ये जो स्पोर्ट जो दे रखी है तल, हाँ हाँ, ये लोहे पाइप है। अच्छा अच्छा। हाँ, 10-10 फुट पे इन्होंने लोहे पाइप काट दिए। अच्छा। फिर ऊपर ये बांस बांध दिए, बांस के ऊपर ये नटराटी गिर दी और फिर उसके बाद सरकंडे की छान बना दी। तो नीचे तो अपना जो सीधा पाइप खड़ा कर रखा है ये लो का है, बाकी सारा अपना सरकंडे हैं और बांस है, हाँ, सारा सरकंडा। तो इसमें आप खर्चा कुचा के कुछ आ जाए जी अंदाजा? भाई जो सीमेंट वाला बना है ना, हाँ, वो चादर वाला लोह वाली चादर वाला, लगभग उससे बराबर पड़ जाए हो, लगभग उसके बराबर पड़ जाए, लगभग उसके बराबर पड़ जाए, हाँ। लेकिन जो फायदा है वो की है जो मैंने बताया वो ये है, एक तो मान लो तुम्हारे, हाँ, पास खुद तुमने खेत में रहो तुम, आज का लोग बांस बोन लागे हैं, आज सरकंडे अपने हुए हैं, हाँ। तो एक अदवाड़े में अपने बांस ला लो, अरे डोला वर्गा अपने झुंड ला लो, सरकंडे ला लो जी, तो थारा घर का हो गया सौदा बिल्कुल। उसके बाद मिस्त्री आओगे, मिस्त्री अपनी दिहाड़ी दिहाड़ी लेगा। अच्छा अच्छा। मन ने तो जोधपुर तक मंगाया था तो सारा सामान जोधपुर तक लेगा, सारा सामान उड़ता है, हाँ, तो उड़ते गाड़ी का भाड़ा भी लग गया है, उनका रहन सहन का खर्चा भी लग गया है, सारी चीजें लगी है। तो यो तो है, अगर इस टाइप से करोगे तो सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, हाँ जी। और सारा सामान बाहर तो मंगावांगे तो लगभग उसका बराबर, हाँ, लगभग उसका बराबर पड़ जाएगा। लेकिन रहने में ठाठ है इसमें, जो भी आया है गर्मी में आया है, सर्दी में आया है, तो जिस भी मौसम में आया है वो आड़ा आके अलग फील करे है जी। बिल्कुल, बाहर से मैं आया हूँ ना, उस टाइम घना टेम्परेचर लगन लग रहा था, पसीने आ रहे थे, आड़े आने के बाद में पसीना बिल्कुल सूख गया, हाँ। तो ये तो है नेचुरल चीज है ना, हाँ हाँ। लो और कंक्रीट के एक रहे है, हाँ। लो और कंक्रीट के ऊपर घाम पड़ा, हाँ, गाम पड़ा, गाम पड़ के जो मान लो टेम्परेचर 50 है, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 60-65, और फिर वो 60-65 का टेम्परेचर उतलने छोड़ेगा, जो अगर ताता तवा नहीं अपने बाप छोड़ा रहे जी, उस हिसाब तो अपनी जो है गर्मी छोड़ेगा तले जी, तो फिर आड़े सारे नो गर्म कर देगा, बाहर वाले टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाए जी। ये जो है गर्मी को भी नहीं सोखता और सर्दी को भी नहीं सोखता, आप इसका हाथ लावांगे ना यो तो ताता पाओगा, लोहे का है, लोहे का ताता पाओगा, और ये सरकंडा ना इसका हाथ लावांगे ना ये ठंडा पाओगा, तो यो अगर ऊपर होता तो ऊपर भी ये हाल होता जी। तो ये है सारा इसका, ठीक है
जी, और उस साइड में क्या बना रखा है जी, ये जो अपने दीवार सी खड़ी कर रखी है, ये भी सरकंडा का है, ये भी सरकंडा की दीवार है। जो है बुजुर्ग जो है बातें बना लिया थे सरकंडा के, हाँ हाँ, तो ये बातें बना रखे है, बातें बना, और ये तूड़ी वाला उभरा अपना, ये ऊपरली साइड में तूड़ी का हो गया, ये तूड़ी का हो गया, हाँ हाँ, ये विन्यू का न्यू बातें बनवा ली है, और बातें बनाकर ये इस हिसाब से दीवार बना ली, तो ये अपना तूड़ी वाला हो गया जी। ये बाबा प्लास्टिक में रखा हाँ, और चीजा तले ढक्कर रखा हाँ, तो उसमें जो तूड़ी की नमी है ना वो बाहर नहीं निकलती, और वो उड़े खम जाए है जी। इसके में आर पार हवा भी हुआ है और हाँ। इसमें नमी भी निकल जाए है, तो तूड़ी इसमें खराब होती है नहीं, बिल्कुल खराब को नहीं हुआ हाँ। जी, अगर जगह है व्यवस्था अच्छी जगह की है तो अपना ये ऐसा जो साइड है बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। न तो कोई कूलर पंखा लगाने की जरूरत पड़ेगी। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। वीडियो आप भाइयों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे भाइयों ने राम राम भाई। ठीक है भाई, राम राम है, राम राम सर।